दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल सूरत गुजरात से और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा में। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे हर पर्सन अपने रोजमर्रा के जीवन में फेस करता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हाइपर एसिडिटी, रिफ्लक्स या अम्ल पित्त के बारे में। हमारे पेट में गैस्ट्रिक म्यूकोजा होती है जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम के अम्ल की जब वृद्धि हो जाती है उसे हम हाइपर एसिडिटी या रिफ्लक्स रोग के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि अम्ल विदग्धम चतत पित्तम अम्ल पित्तम, पेट में जब अम्लता की वृद्धि हो जाती है उसे हम अम्ल पित्त कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि ये हाइपर एसिडिटी, अम्ल पित्त या रिफ्लक्स होने के क्या क्या कारण है। अम्ल पित्त या रिफ्लक्स या हाइपर एसिडिटी होने का सबसे पहला कारण है ऑयली स्पाइसी जंक फूड का ज्यादा सेवन करना। बहुत ज्यादा तेल में तला हुआ और स्पाइसी खाना खाने की वजह से अम्ल पित्त होता है। बाहर का खाना, जंक फूड ज्यादा खाने की वजह से अम्ल पित्त होता है। बहुत ज्यादा समय तक भूखे पेट रहने से भी हमें अम्ल पित्त हो सकता है। बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से भी हाइपर एसिडिटी होता है। पानी का इंटेक कम करने की वजह से भी एसिडिटी होती है। चाय और कॉफी का अत्यधिक सेवन करने की वजह से या तो चाय और कॉफी का खाली पेट सेवन करने की वजह से भी अम्ल पित्त या हाइपर एसिडिटी होती है। कुछ दवाइयों की साइड इफेक्ट की वजह से भी अम्ल पित्त या हाइपर एसिडिटी होती है, जैसे कि स्टीरॉइड्स हैं, कुछ पेन किलर्स हैं, एंटी डिप्रेशन की दवाइयां हैं, अस्थमा की दवाइयां हैं, जिनकी वजह से भी अम्ल पित्त होता है। प्रेगनेंसी में भी अम्ल पित्त या हाइपर एसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी पूरी लाइफस्टाइल में कोई भी ज्यादा एक्टिविटी ना होना, बिल्कुल बैठने वाले जीवन शैली की वजह से भी हाइपर एसिडिटी होती है। दिन में सोने की वजह से भी हमें हाइपर एसिडिटी होती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, बहुत एक्सरसाइज की कमी की वजह से भी हाइपर एसिडिटी होती है। पानी कम पीने की वजह से भी हाइपर एसिडिटी हो सकती है। अल्कोहल का सेवन करने से दोस्तों हाइपर एसिडिटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। स्मोकिंग यानी कि तंबाकू खाने से या स्मोक करने की वजह से भी हाइपर एसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव की वजह से भी हाइपर एसिडिटी होती है। अब हम देखते हैं कि हाइपर एसिडिटी जब होती है तो हाइपर एसिडिटी में क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। हाइपर एसिडिटी में दोस्तों छाती में जलन होना, खट्टे डकार आना या तीखे डकार आना, छाती में यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में काट खाने वाला बाइटिंग पेन होता है, गले में और चेस्ट में भी पेन होता है और मुंह में कड़वाहट आने लगती है, हमें खट्टी और तीखी डकार आने लगती है, कभी कभी उबाइयां आती है और कभी कभी ग्रीनिश येलो कलर की उल्टी भी हो जाती है। बहुत ज्यादा थकान भी महसूस होती है हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स में। उसके अलावा मुंह में से बहुत बदबू आती है, लोग हमारे बाजू में बैठना भी पसंद नहीं करते। कुछ लोगों को हाइपर एसिडिटी की वजह से मुंह में से बहुत बदबू आती है। फिर बर्निंग भी होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो जाती है तो उसमें मोशन में जलन भी होने लगती है। उसके अलावा लंबे समय तक अगर हमें हाइपर एसिडिटी रहती है तो हमें आंतड़ों में छाले पड़ जाते हैं, जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम का रोग कहते हैं। उसके अलावा कभी कभी छाती में इतना पेन होता है कि इंसान को लगता है कि उसे हार्ट अटैक आया है, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आपको तो एसिडिटी है और एसिडिटी की दवाई देने से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाइपर एसिडिटी की वजह से हमें सांस फूलने लगती है, ऐसे लंबी सांस लेनी पड़ती है। उसके अलावा हाइपर एसिडिटी की वजह से बहुत ज्यादा पानी की प्यास लगती है, भूख में कमी हो जाना भी हाइपर एसिडिटी का लक्षण है। तो ये सारे जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ये सारे लक्षण हाइपर एसिडिटी के पेशेंट में देखे जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आगे कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है। हाइपर एसिडिटी को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको, अगर बैठने वाला सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपकी, तो आपको एक ही पोस्चर में लॉन्ग टाइम तक नहीं बैठना है, अपने पोस्चर को चेंज करना है। कभी खड़े होना है, कभी चलना है, कभी बैठना है। और अगर आप बैठे हैं तो आपको ऐसे कड़क होकर बैठना है, ऐसे झुक के नहीं बैठना है। उसके अलावा अगर हम मैनेजमेंट के बारे में देखें तो दूसरा, अगर हमें हाइपर एसिडिटी होती है और हम सोए हुए हैं तो अपनी बॉडी को चेस्ट से लेके ऊपर का हिस्सा जो है उसको हेड आधा फुट ऊपर करके सोना है, बिल्कुल सीधे नहीं सोना है। उसके बाद अगर हमें हाइपर एसिडिटी है तो उसको मैनेज करने के लिए हमें खाने को बहुत धीरे धीरे चबा के खाना खाना है और जितना पोर्शन हम खाना चाहते हैं उससे 20% हमें कम खाना खाना है। उसके अलावा हमें टीवी देखते देखते और बातें करते करते बिल्कुल खाना नहीं है, क्योंकि बातें करते करते खाने से
हमारे पेट में हवा जाती है और फिर वो गैस्ट्रिक ट्रबल क्रिएट करती है। उसके अलावा खाना खाते खाते और खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना है। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि भोजनांते विषम वरी, भोजन करने के बाद पानी पीना विष के पीने के समान है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो पेट में गैस्ट्रिक एंजाइम्स पैदा होते हैं, पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है जो खाने की पाचन की प्रोसेस को करवा रहा है। जब हम पानी डालते हैं तो प्रोसेस बंद हो जाती है, सारा खाना पेट में सड़ जाता है और हाइपर एसिडिटी होती है। उसके अलावा हमें अगर एसिडिटी नहीं होने देना है तो हमें वॉकिंग रेगुलर करना है, खास करके रात के समय पे खाना खाने के बाद आधा घंटा वॉकिंग जरूर करना है। अब दोस्तों कुछ फूड आपको बता दूं, दोपहर के खाने में आपको छाछ यानी खट्टी छाछ नहीं होनी चाहिए, फीकी छाछ का सेवन जरूर करना है। अगर हम फ्रूट की बात करें तो हमें अनार और गुआवा और एप्पल का सेवन जरूर करना है। अगर हमें हाइपर एसिडिटी की तकलीफ है तो जरूर से मुनक्का का सेवन करना है। मुनक्का मतलब काली द्राक्ष, जिसको हम खाना खाने से पहले 3 से 4 की क्वांटिटी में खा सकते हैं। अब आपको कुछ होम रेमेडीज बता देते हैं। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो मैं जो आपको होम रेमेडीज बताने वाला हूं, ये होम रेमेडीज से बहुत सारे लोगों को हाइपर एसिडिटी ठीक हुई है। दोस्तों आपको क्या करना है, आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच सौंफ लेनी है, उसको रात के समय पे 1 ग्लास पानी में उबाल के आधा ग्लास कर देना है, फिर उसको पूरी रात ढक के रख देना है, सुबह उठ के उसको छान के खाली पेट पीना है। ये आपको नुस्खे को 15 दिन तक करना है, आपकी एसिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी फ्रेंड्स। उसके अलावा अगर आपको हाइपर एसिडिटी हुई है, आप उसका तुरंत समाधान चाहते हो, आपको 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच खड़ी शक्कर मिश्री, उसको मिक्स करके उसका पाउडर करके 1 ग्लास पानी में मिक्स करके उसको पी लेना है, हाइपर एसिडिटी बिल्कुल शांत हो जाएगी। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो आप ये भी कर सकते हैं, आपको एलोवेरा का जूस लेना है, 5 ml सुबह 5 ml शाम, खाना खाने से पहले आप ले सकते हैं। उसके अलावा बेल का जूस या बिले का शरबत भी आप इसमें पी सकते हैं। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों आयुर्वेदिक औषधि अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बेहतरीन औषधि है अम्लपित्त या हाइपर एसिडिटी के लिए, जिसका नाम है अविपत्तिकर चूर्ण। अविपत्तिकर चूर्ण आधी आधी चम्मच खाना खाने से आधा घंटा पहले आप दोनों टाइम सुबह शाम लीजिए। कुछ ही दिनों में 15 से 20 दिन या 1 महीने तक इसका सेवन करने से आपका अम्लपित्त या हाइपर एसिडिटी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी फ्रेंड्स। और अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो आपको नारियल की गिरी और 1 टुकड़ा मिश्री खाना खाने के बाद जरूर से खाना है। तो ये मैंने आपको कुछ उपचार बताए दोस्तों। हमारी रोज की ओपीडी में हमारे पास बहुत सारे हाइपर एसिडिटी के पेशेंट्स आते हैं। पिछले 8 से 10 सालों में तकरीबन सैकड़ों की तादाद में हमने हाइपर एसिडिटी के पेशेंट्स को हमारी आयुर्वेदिक दवाइयां और आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को फॉलो करवा के उनको बिल्कुल ठीक किया है दोस्तों। और अगर आयुर्वेदिक दवाइयों से हाइपर एसिडिटी का मैनेजमेंट नहीं हो तो आयुर्वेदा की पंचकर्म ट्रीटमेंट, जिसमें वीरेचन नाम की ट्रीटमेंट से हम हाइपर एसिडिटी को बिल्कुल मैनेज करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको क्योर भी करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन तरीकों से अपनी हाइपर एसिडिटी से निजात नहीं पाते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, इन नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात करके आपके घर पे आपके डोरस्टेप पे हम दवाइयां भेज सकते हैं और आप अपनी हाइपर एसिडिटी नाम के रोग से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, हमारे ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ और आपके फ्रेंड सर्कल में आपके दूसरे ग्रुप्स में सबके साथ मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो करें दोस्तों, हमारा फेसबुक का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद, थैंक यू।